का गठन कर सकते हैं। मेरे विषय को तो बैनर लगे है, उस पढ़ा जो सारे हिंदी थोड़ा जहा विस्तार के दस सारा थोड़ा जहा एक गल करने का सारे लय बन गया। हिंदू का मतलब क्या है? अस कुछ हिंदू आखने कौन है? हिंदू हिंदू वो है जिन्हें इस पावन धरती पर जन्म लेदा, भावें वह कुछ भी धर्म के न भावें वो हिंदू। अस बड़े भाग्यशाली लोग हाँ कि अस सनातनी हाँ, अस सनातन से जन्म ले रहा है। बाकी जो भी आया इसे सनातन च आया, इसे सनातन जिन्हें सनातन जो सनातन से निकले है उसका अंत भी इसे सनातन च है। इसके अलावा भी कोई गति नहीं है। हाँ समय जरूर लगता है, समय कि लगता कि जो सृष्टि का आरंभ होया उसका भी राक्षस करते रहना जिन्ना उन्हें स्थान है। मगर असं आरती मनी है कि होंगी अस कुछ भरोसे रही है, काम करने वाले लोग नहीं है। अस अपने बलबूते काम करिए दसने वाले लोग हाँ कि अस कुछ करने वाले जी, अपने समाज का, अपने देश का, अपने लोगों का काम करा जी, अपने हिंदू समाज वास्ते काम करा जी। नहीं साढ़े अलावा बहुत सारिया संस्था ने जो अपने हिंदू आरसपुरा के हिंदू जागरण मंच की ओर से जो आज एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें हमारे एरिया के पंच सरपंच और जो हमारे बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन है, सुधार सभा है बटवाल और बाकी सारी बरादरियों के लोगों ने बैठ के एक आज अजय महाराज जी जो महामंत्री हैं जम्मू कश्मीर विश्व हमारे हिंदू जागरण मंच के, उनका विशेष रूप से आना हुआ तो जो कहाँ कहाँ क्या किया जाए उसका मार्गदर्शन भी मिला। और मैं समझता हूँ कि कल भी हमारा माननीय रुपेश जी से जो हमारी बैठक हुई तो उसका और आज भी वो इधर आरसपुरा में ही हैं, तो मैं समझता हूँ कि पूरा जो हिंदू में होना चाहिए था जिसके ऊपर गहन चर्चा करनी थी, धर्म परिवर्तन की ओर जो लोग जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए उस विषय पे एक चर्चा हुई, अच्छा लगा। और सभी लोगों ने एक मत से ये माना है कि जो त्रुटियाँ हमारे समाज में भी हैं उसको भी कैसे ठीक करना है और कैसे जोड़ना है वो सारा इस विषय पे बात रही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जहाँ के जिला अध्यक्ष का, नवीन जी का, अपने विक्रम जी का, राकेश पंडित जी का, बाकी सारे साथियों का कि जिन्होंने आज ही एक घंटा पहले सभी से फ़ोन पे ये बात हो सकी। लेकिन एक बड़े आयोजन करने की जो कार्य हम बैठ के अभी बात करेंगे तो आपका भी धन्यवाद कि आप आए। तो मैं पुनः जो लोग हमें ये समझ रहे हैं कि शायद जहाँ पे पता नहीं है कहाँ कहाँ क्या हो रहा है वो भूल में है, वो सारी निशानदेही हुई है और बड़े प्यार से अदब से उनको कहते हैं कि वापस आएँ और अपना सनातन को बचा के रखें। जैसे हमारे यहाँ पंचों सरपंचों ने एक फैसला किया था पिछले दिनों कि 2 घंटे मंदिर के नाम, हर सोमवार को हम 2 घंटे मंदिर बैठेंगे, किसको करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, किसको कौन सी योजना चाहिए, वो हमने आरसपुरा में शुरू किया हुआ है, राजपुरा में शुरू किया है, गगवाल में शुरू किया है, लखनपुर में शुरू किया है कि हर सरपंच और कारपोरेटर बैठता है और वो सोमवार को मंदिर में बैठ के एक योजना हमने बनाई है, वो चल रही है। लेकिन उसको और कैसे गति दी जाए उसके ऊपर बड़ा अच्छा हमें सख्ती से भी, प्यार से भी और जो हमें समझना चाहिए उस पर चर्चा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।